इंसान कीट और जानवरों को तो खाता है, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन जब ये पौधे भी इन कीटों और जानवरों को खाने लगे तो क्या होगा? आपको पता है कि पौधे इंसानों और जानवरों को कई तरह के प्रॉफिट देते हैं, पर दुनिया में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो खूंखार और खतरनाक हैं। ये अपने शिकार करने के तरीकों के लिए जाने जाते हैं। आखिर क्यों करते हैं ये पौधे जीवों का शिकार, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जानने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अपनी भूख को शांत करने के लिए हर जीव भोजन करता है, और कई जीव अपने भोजन में कीटों और जानवरों को खाते हैं। वैसे ये बात सभी जानते हैं कि पौधे से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जब ये पौधे खुद दूसरों से अपनी नीड पूरी करने लगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। इसी रहस्य का पता लगाने के लिए जॉर्ज स्कल्ट्स की टीम ने इस बारे में जानने की कोशिश की, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि ये बात हैरान कर देने वाली थी। इसके लिए उन्होंने इन पौधों की 3 प्रजातियों के जन्म को लेकर इस पर रिसर्च किया, और इस रिसर्च ने ऐसे राज खोले कि लोग हैरान रह गए। आज से 70 मिलियन साल पहले जब इस धरती पर डायनासोर जैसे जानवर थे, उस समय कुछ पौधों में जेनेटिक चेंजेस होने के कारण वो सब कीटों और जानवरों को खाने लगे। कहा जाता है कि ऐसा उनमें न्यूट्रिशंस की कमी के कारण हुआ। धरती पर कुछ समय के बाद बदलाव होते रहते हैं, और इन बदलावों की वजह से पौधे और इंसानों को भी अपने जीवन में बदलाव लाने पड़ते हैं, और इसीलिए कुछ पौधों ने अपनी लाइफ को ऐसे बदल लिया कि वो कर्निवोरस यानी कि मांसाहारी हो गए। अब आपको बता दें कि इन पौधों को जीने के लिए जिन चीजों की नीड थी वो उस जगह पर खत्म हो चुकी थी या कम हो गई थी। इसी को पूरा करने के लिए इन पौधों ने अपने को वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में बदल लिया, और ये पौधे कीटों और जानवरों को खाकर अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन को पूरा कर लेते हैं। आज हम आपको इन पौधों में शामिल उन पौधों के बारे में बताएंगे जो खूंखार कर्निवोरस पौधे में आते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप। कैरोलिना में पाया जाने वाला ये पौधा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसकी हरकत देखकर आप डर जाएंगे, क्योंकि इसकी पत्तियां ऐसी बनी होती हैं जैसे पिंजरा, और पिंजरा किस लिए होता है ये तो आप जानते ही हैं। इस पिंजरे पर जो भी इंसेक्ट बैठता है वो हमेशा के लिए इसके अंदर हो जाता है, और वीनस फ्लाई ट्रैप का भोजन बन जाता है। ये प्रोसेस इतनी तेज और सटीक होती है कि इस कीड़े को पता भी नहीं होता है कि ये तो शिकार बन गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पौधा खूंखार होने के साथ साथ चालाक भी होता है। संडियो। वैसे यह पौधा रोलर कोम्ब की तरह होता है। इसके स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि यह कितना खूंखार पौधा है। इस पौधे के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो चिपचिपे लिक्विड से बने होते हैं, और यही डॉट्स उन कीटों के लिए शिकारी होते हैं। इस पौधे के डॉट्स पर बैठने पर कीट उस लिक्विड में चिपक जाता है। पौधे के ये डॉट्स उस कीट को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और चूस कर उसे छोड़ देते हैं। ये प्रोसेस कुछ ही समय में पूरा हो जाता है। इन प्लांट्स को इनकी दूसरी खासियत के लिए भी जाना जाता है। जैसे ये पौधे जिस कीट को अपना भोजन बनाते हैं उसके बारे में अच्छे से फील भी कर सकते हैं कि कीट जिंदा है या मरा है, इसके अलावा उसमें न्यूट्रिशन है या फिर नहीं है। वॉटर व्हील प्लांट। लेक के किनारे और छोटी छोटी घासों के बीच ये प्लांट देखा जा सकता है। इन पौधों को बहुत ही रेयर केस में देखा जा सकता है। 6 से 7 पत्तियों के स्ट्रक्चर में दिखने वाला ये पौधा कुछ अजीब लगता है। इसमें लगे फ्लैप ट्रैप छोटे छोटे कीटों को अपने अंदर जकड़कर मार डालते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस धरती पर शुरुआत में कुछ पौधों को जीनोम डुप्लीकेशन से गुजरना पड़ा, जिससे इनकी प्रजातियों के बीच में इंटरनल एक्टिविटीज होने के कारण इनके डीएनए में बदलाव देखने को मिला, और इन्हीं बदलाव के कारण ये कर्निवोरस प्लांट बन गए। इन प्लांट्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि जब इन्हें जीनम से नाइट्रोजन मिलना बंद हो गई तो ये पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि कीट नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, और आज के समय में दुनिया में कर्निवोरस प्लांट की संख्या बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। धरती पर हो रहे बदलाव की वजह से धरती के पोषक तत्वों में कमी हो रही है, जिससे नाइट्रोजन जैसा एलिमेंट जो पौधों के लिए बहुत जरूरी है वो भी कम हो गया है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।